और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से बड़ी खबर, बीच सड़क स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बीच सड़क पर स्टंट का वीडियो इस युवक ने बनाया था और अब वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आरोपी हरीश कुमार बादशाहपुर का रहने वाला है और पुलिस ने आरोपी की थार को भी बरामद कर लिया है। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर स्टंटबाजी करता हुआ युवक नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो बीच सड़क पर थार से स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, गुरुग्राम में इस तरह से स्टंटबाजी का ये कोई नया मामला नहीं है, हालांकि इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन इस तरीके की स्टंटबाजी आगे ना की जाए उसको लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में बीच सड़क पर स्टंट करना युवक को भारी पड़ा है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं युवक ने अपनी ब्लैक कलर की थार से जिस तरीके से गुरुग्राम के बादशाहपुर रोड पर ये पूरा स्टंट करते हुए वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद ये पूरा जो वीडियो है वो गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया। उसके बाद गाड़ी का नंबर के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने जांच जो है वो शुरू की और गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान हरीश कुमार, जो कि बादशाहपुर का ही रहने वाला है, उसे गिरफ्तार जो है वो कर लिया। वहीं जिस तरीके से वीडियो में देखा गया था कि अपनी थार गाड़ी से युवक जिस तरीके से स्टंट कर रहा था, स्टंट करते करते एक साइकिल से व्यक्ति जो है वो वहीं से जा रहा था, वो भी उस पूरे स्टंट के दौरान जो है बाल बाल बच गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो स्टंट के दौरान जो है हो सकता था। और वहीं ये स्टंट करते हुए वीडियो जो है वो इस युवक ने शूट करवाया, जिसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डालने के बाद ये जो पूरा वीडियो है वो वायरल हुआ और गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया। वहीं इस पूरे मामले में जांच करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं लगातार इस तरीके के कई मामले जो है वो गुरुग्राम से सामने आ चुके हैं। वहीं इन पर नकेल कसने के लिए लगातार गुरुग्राम पुलिस जो है वो अलग अलग इस तरीके से कहें कि जब भी इस तरीके के मामले संज्ञान में गुरुग्राम पुलिस के आते हैं तो उन्हें तत्परता से उनकी जांच करते हुए उन पर और आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला बता रहे थे जहां पर पुलिस ने स्टंटबाज को भी गिरफ्तार कर लिया है।